अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। क्राइम किया है मैंने राधा, और मुझे इसकी सजा मिलनी चाहिए। प्लीज प्लीज जाने दो मुझे। जाने दो? कैसे जाने दो? अगर आप चले गए तो हमारा क्या होगा? हमारे परिवार का क्या होगा? हमारे बच्चों का क्या होगा? मोहन जी, एक बार भी उनके बारे में सोचे, हमारे बारे में सोचे। आपने गुमुन को वादा किया था ना कि आप उसके साथ हमेशा रहेंगे, उसका साथ देंगे, एक पल के लिए भी अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे। फिर उसने दिया वो वादा कैसे तोड़ देंगे आप? मोहन जी, बचपन से लेकर आज तक मरण को ये नहीं पता था कि उसके असली पिता कौन है। अब जब 7 साल बाद उसके पिता उसे मिले हैं, तो आप उसके पिता छीन लेंगे। क्या तुम मुझे पापा बोलोगे? जीती अजीत भैया सर का ये लोग रह पाएंगे आपके बगैर? मोहन जी, इतने सालों तक उन्होंने सिर्फ आपके दुख तकलीफ और दर्द ही देखे, अब जब इतने टाइम बाद उनके लाइफ में खुशियां आई हैं, आप उनसे उनकी खुशियां छीन लेंगे? मोहन जी, मोहन जी सुनिए, यहाँ जो कुछ भी हुआ है ना, किसी ने भी नहीं देखा है। राधा, युग युग एक राक्षस था मोहन जी, क्या कुछ नहीं किया था इसने? हमारे बच्चे को मारने की कोशिश की। मैं अपनी माँ तक को मारने की धमकियां देता रहा हूँ, उन्हें भी मारने की कोशिश की थी मोहन जी से, और अच्छाई का दिखावा करते करते हमारे साथ विश्वासघात भी करता, हमारे साथ जबरदस्ती शादी तक करना चाहा उसने। यही तो मैं कह रहा हूँ ना राधा, पुलिस जानती है कि युग कितना बड़ा क्रिमिनल है। मैं बताऊंगा ना पुलिस को कि सेल्फ डिफेंस में मारा है मैंने युग को, और क्या। नहीं मोहन जी, मुझे पूरी दुनिया जानती है कि आपकी और युग की कितनी गहरी दुश्मनी है। आपने पुलिस के सामने युग को धमकी दी थी ना सर? आप लेके जाइए, मुझे डरा रहा है, मुझे रात को नींद नहीं आएगी सर। इन दोनों को लेके जाइए। राधा के साथ कुछ किया ना, चांस मार दूंगा मैं तुझे। अब अगर हम चिल्ला चिल्ला कभी पूरी दुनिया को बताने की कोशिश करेंगे ना हमने कुछ नहीं किया, तो भी कोई हमारी बात पर यकीन नहीं करेगा मोहन जी। सब यही कहेंगे कि हमने जान बुझकर इसको मार डाला। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।